हाँ जी बाबा, शंकराचार्य ने राजाओं को कौन से वर्षा दिए जो 200 और 800 रावियों को छोड़कर के जंगल में जाकर पवित्र यात्रा ली? उन्होंने पवित्रता के लिए थमाया, उनको वर्षा नहीं दे दिया लेकिन थमा दिया। जो पतित राजाएं हो रहे थे भारत के, ढेर की ढेर रानियां रखते थे, वो पतित होने से बच गए। भारत पूरा ही गड्ढे में चला जाता, उस गड्ढे में जाने से भारत बच गया। बाकी ऐसा नहीं है कोई पवित्र धाम का वर्षा दे दिया या स्वर्ग का वर्षा दे दिया या शांति धाम का वर्षा दे दिया। और बाबा, 108 राजाएं होते हैं जो कि संगम पे तैयार होते हैं, तो सतयुग में 8 गतियां 9 गतियां चलती हैं, त्रेता में 12-13 गति चलती है, तो ये जो 108 राजाएं होते हैं किस समय राजगति में बैठते? अरे 108 की तो बात ही छोड़ो, त्रेता के अंत तक 16108 तक संख्या पूरी हो जाती है। जो राजघराने में आने वाले प्रिंस प्रिंसेस हैं उनकी टोटल संख्या त्रेता के अंत तक आते आते 16000 है। हाँ 108 तो आते ही आते हैं त्रेता में ही। अलग अलग राजाइयाँ होती हैं, अलग अलग ढेर के ढेर राजाएं होते हैं। वहाँ तो बाबा एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा है, वहाँ अलग अलग राज्य कैसे हो गए? राजाएं अलग अलग हैं लेकिन कंट्रोल में एक के रहते हैं। महाराजा के कंट्रोल में राजा हैं? हाँ जी, महाराजाएं नहीं होते हैं त्रेता में, त्रेता में राजाएं ही होते हैं। हाँ लेकिन कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा। छोटे राजाएं हैं वो बड़े राजा के कंट्रोल में रहते हैं। द्वापर कलयुग में ऐसा नहीं होता है। ये राजा बाबा जो राजा बनते हैं 16108 जो भी है 108 हैं, तो द्वापर के बाद भी कहीं ना कहीं तो राजा बनते ही हैं। 16000 थोड़े ही राजा बनते हैं, 108 राजाएं बनते हैं। द्वापर के बाद भी बनते हैं? द्वापर में भी बनते हैं। और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों को माता क्यों कहते हैं? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों को माता क्यों कहते हैं? और एक बड़े पॉक्स आते हैं तो उसको माता के नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि माता निकल आई। क्योंकि वेद में भी तो दो माताएं हैं, एक छोटी माता और एक बड़ी माता, तो बड़ी माता की यादगार में बड़ी माता निकलती है और छोटी माता की यादगार में छोटी माता निकलती है। हैं दुख होता है? हाँ यही बात तो है, जो धरणी है वो माता है। सतयुग में धरणी होती है, त्रेता में भी होती है, द्वापर कलयुग में भी धरणी होती है। तो माता जो निकलती है वो द्वापर कलयुग में निकलती है या सतयुग त्रेता में? द्वापर कलयुग में निकलती है। माना धरणी सतोप्रधान भी होती है, माता सतोप्रधान भी होती है और माता तमोप्रधान भी होती है। लेकिन माता शांति धाम में नहीं होती है, धरणी माता होती है वहां नहीं होती। कहाँ होती है? इस दुनिया में सात्विक स्टेज में भी होती है और तामसी स्टेज में भी होती है। जब तामसी स्टेज में होती है तो दुख देती है। बाबा एक मुरली ने बोला है, तुम बच्चों को बाबा ने बार बार कहा है यह गांधी का नाम सदा लेते रहो,
क्योंकि गांधी की बड़ी महिमा है। बड़ी बड़ी महिमा है। हाँ तो गांधी के लिए क्यों बोला या नातेला हो जाए बेहद तो महिमा गांधी की महिमा है नहीं बेसिक वालों में वो तो है जी गांधी का नाम। और भी देखा जाए तो दुनिया के हिसाब से भी इंडिया में गांधी जी की महिमा नहीं है, जैसे हद में महिमा है वैसे बेहद में भी महिमा है। लेकिन वो भारत का बापू था, वो विश्व का बापू नहीं था, तो उससे भी जास्ती महिमा विश्व पिता की होगी या भारत के पिता की होगी? विश्व पिता की है। इस्लाम धर्म सबसे पतित धर्म है, लेकिन उसकी गिनती सेकंड धर्म में क्यों की जाती है? इस्लाम धर्म सबसे पतित धर्म है, लेकिन उसकी गिनती सेकंड धर्म में क्यों की जाती है? उसकी गिनती सेकंड धर्म में क्यों की जाती है? सेकंड धर्म में और धर्मों से दूसरे धर्म में क्यों की जाती है? पतित पने के हिसाब से। ऐसे तो दूसरे सभी धर्मों के बीच में वो पावरफुल धर्म है या कमजोर धर्म है? पावरफुल धर्म तो है, लेकिन पतित ज्यादा बनते हैं। तो जो पतित ज्यादा बनते हैं उनको भगवान प्यार करता है कि ठुकराता है? है भगवान तो प्यार करता है, और भगवान अगर उनको प्यार करता है, ज्यादा प्यार करता है, तो फिर उनको सूर्यवंशी क्यों नहीं बना देता? बनाता है नहीं बनाता है? ठीक है, ये परंपरा चालू हो गई क्या कि जो धर्म पिताएं हैं वो पतितों से नफरत नहीं करते हैं? धर्म पिताएं जो पतित बच्चे बन जाते हैं, गिर जाते हैं संग के रंग में, उनसे प्यार करते हैं उठाने के लिए। तो ऐसे ही भगवान जो है ऊंचे से ऊंचे बाप, उसका बच्चा कौन है? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा कौन? गॉड का बच्चा भी वन कौन है? जगत पिता जिसे कहते हैं, शिव को जगन्नाथ या जगत पिता नहीं कहेंगे? तो जो पहला पहला जगत पिता है वो भी इस सृष्टि पर अपने से बाद में आने वाले जो धर्म हैं, धर्म पिताएं हैं, उनमें से किसको प्रेफरेंस देता होगा? है इस्लाम धर्म को। इसलिए बोला ये इस्लामी पहले मरेंगे। काय से? देवान से पहले मरते हैं, उन पतितों को पहले उठाता है और पावरफुल धर्म बनता है। कौन सा? इस्लाम धर्म। और जो बीके वाले ज्ञान अमृत पड़े हैं वो तो उनका क्या करें? बीके वालों को दे दो। लेते नहीं हैं? हमारे पास बहुत है, लेते नहीं। लेते नहीं? लेते भी बेचते या तो लिफाफे बनाने के काम में आ जाएगा है? और बाबा एक मुरली ने बोला है आपके तो यहाँ गरीब ही है, कोई बड़े आदमी समझने के लिए नहीं आते, अपना मान मर्तबा लेने के लिए आते हैं। बड़ी कुर्सी पे बिठाओ तो आ जाएंगे, हर चाहे चीफ जज को बुलाओ, राधा कृष्ण को बुलाओ,
तो वह भी तुम्हारे पास आ जाएंगे अपनी बढ़ाई। ये राधा किशन क्यों लपेटे गए हैं जैसे क्योंकि है जो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं हैं वो सबसे जास्ती मान मर्तबा चाहना पाने की इच्छा रखने वाली हैं या कम इच्छा रखने वाली हैं? हाँ, उन्हें मान मर्तबा चाहिए। दूसरों को मान मर्तबा नहीं देंगे उतना, खुद को जास्ती चाहिए। नहीं तो अगर देने वाले होते तो जो भागीदार था, जिस भागीदार से उनकी समस्या हल हो गई उसको मान मर्तबा देते, लेकिन उसको मान मर्तबा दिया नहीं दिया, क्योंकि वो लेने वाले हैं देने वाले नहीं हैं। और आज मुरली में भी क्लियर कर दिया, बाबा ने क्वीन की बात की, बड़े घराने से आई है, तो उस क्वीन के बड़े घराने के जो लोग आवेंगे वो इस ज्ञान को उठावेंगे? वो नहीं उठावेंगे। बाबा ने तो इशारा दे दिया कि सृष्टि में जो बड़े घराने के हैं उनकी जो क्वीन मदर है कौन, लक्ष्मी, उसको तुम समझाओ। क्या ये बीके वाले नहीं, ये बीके वाले नहीं, तुम समझाओ। तो जब ये समझ जाएगी बुढ़िया, कितनी पुरानी है, हैं 5000 साल पुरानी बुढ़िया है, अपने परिवार की बहुत बड़ी है, तो ये अपने परिवार वालों को समझा देगी। तो इसके परिवार वाले गरीब घराने के होंगे या साहूकार घराने के होंगे? हैं साहूकार घराने के, बेहद के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से गरीब घराने के। और बाबा जब सेवा के फील्ड में जाते हैं तो बताते हैं उनको कि बाबा का अब दूसरी मूर्ति के द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, तो वो पूछते हैं कि जो साकार मूर्ति के द्वारा भी काम चल रहा है उनका लौकिक में नाम क्या है? तो जब ऐसा प्रश्न उठता है तो उस वक्त अगर हम कहें कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अभी दूसरी के द्वारा भी दूसरी मूर्ति का कार्य चल रहा है, वो संतुष्ट नहीं होते, वो लौकिक नाम पूछते हैं, तो ये अगर बता दिया जाए तो ये डिसर्विस है क्या? आपने वो किताब पढ़ी नहीं होगी जिसे संजीवनी में बताया गया है? वो किताब में जो 9 नगाड़े छपाए गए थे उनमें से एक नगाड़े का नाम है बाप की पहचान, नाम के आधार पर भी बताई गई है। जैसे दादा लेखराज है, लौकिक नाम है ना, तो बेहद में ये नाम लागू होता है या नहीं होता है? हैं? कैसे लागू होता है? हैं? लेखराज क्या लिखता था? नहीं, लेखराज का मतलब है धर्मराज का नाम काम क्या होता है? हैं? एक एक का लेखा जोखा उसके पास रहता है। हाँ, तो हर एक के भाग्य का लेख लिखने का राजा है कौन? धर्मराज। धर्मराज कहो, लेखराज कहो, ब्रह्मा बाबा धर्मराज क्यों है? हैं? क्योंकि वो लेखराज या धर्मराज क्यों है? क्योंकि धारणाओं का राजा है, इसलिए वो धर्मराज है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये बात लागू होती है लौकिक नाम से, ऐसे ही जो एडवांस है ज्ञान, उस एडवांस ज्ञान में जो बाप का पार्ट है वो क्लियर किया जा सकता है नाम के आधार पर। जानकारी होगी तभी क्लियर करेंगे ना, जानकारी नहीं होगी
तो क्लियर न खुद को है तो दूसरों को भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, खत्री माने छत्री, खत्री माने छत्री, और छत्रियों का इतिहास नहीं मालूम है? जन्म जन्मांतर के राजाएं रहे हैं। अरोड़ा माने रोड़ा नहीं अटकाने वाले है? अच्छे काम में रोड़ा अटकाना ये तो खराब बात है, तो अच्छे काम में कोई रोड़ा अटकाने वाले नहीं है, तो अरोड़ा अच्छे ही है ना। और बाबा एक मुरली ने बोला है, बाबा बताते हैं फलाना गया जाकर जम्मू के राजा के यहाँ जन्म लिया, किसके लिए बोला ये फलाना गया? हाँ, जम्मू कश्मीर है ना, एक स्टेट है जम्मू कश्मीर, मीर माने शहजादा और मीरा माने शहजादी। कश्मीर के राजा के यहाँ जन्म लेगा तो क्या हुआ, कश्मीर का शहजादा बन गया। बड़ा आदमी बना या छोटा आदमी? बड़ा आदमी बना। बेहद में कौन है? कश्मीर, काश में शहजादा होता। मैं हाँ, बड़े थे बड़ा शहजादे तो दुनिया का ब्रह्मा बाबा है, कृष्ण के रूप में जन्म लेगा, सतयुग में विश्व पिता का बच्चा होगा। लेकिन जो राम के चार भाई हैं राम सहित, उनमें से जो तीन भाई हैं इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन के बीज, उनमें बड़ा भाई है इस्लाम धर्म का बीज, तो उसके अंदर ये भाव आता है, काश मैं शहजादा होता। क्या? हाँ। और देवी देवता है कलयुग में आके काले हो जाते हैं, तो काली मूर्तियां ही दिखाएंगे ना। माउंट आबू में भी तो काली मूर्तियां दिखाई हैं, नीचे जो मंदिर है उसमें गोरी मूर्तियां हैं, ऊपर की ओर जो मंदिर है दिगंबर जैनियों का उसमें काली मूर्तियां हैं। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो ब्राह्मणों में दो पार्टियां हो जाती हैं, एक ऐसी मूर्तियां हैं जो काला काम करती ही रहती है एडवांस वाली, और एक ऐसी मूर्तियां हैं जो घर घाट छोड़ करके काला काम छोड़ देती है। नाम तो वही है, कृष्ण की मूर्ति है, वही है, लेकिन वो काली स्टेज में रहते हुए भी ऊंची स्टेज में विराजमान है, यादगार में। मूर्तियां काली हैं दिगंबर जैनियों की, लेकिन मंदिर और मूर्तियां ऊंचे स्थान पर रखी जाती हैं या नीचे स्थान पर रखी जाती हैं? ऊंचे स्थान पर रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊंचा पुरुषार्थ किया है। ये समझ की बात है। घर ग्रस्त में रहना, कीचड़ में रहना, गंदगी में रहना, और गंदगी में रहते हुए भी इंद्रियों से मन बुद्धि को उपराम रखना, ऊंचा रखना, तो बुद्धि का कमाल हुआ या इंद्रियों का कमाल हुआ? हैं? बुद्धि का कमाल है, बुद्धि का सारा पुरुषार्थ है। इसलिए वो काली मूर्तियां दिखाई है, क्योंकि वास्तव में शरीर से तो मूर्ति से तो काले ही है। मूर्ति काली है पुरुषार्थी जीवन में या गोरी मूर्ति है? और गोरी मूर्ति हो जाए तो फिर पुरुषार्थ करने की दरकार है? दरकार ही नहीं। इसलिए काली मूर्तियां सच्चाई है,
ऊंचाई है पुरुषार्थ की। और बाबा अफ्रीका में एक डेडली डिजीज आया हुआ है, उसका नाम है इबोला। कौन आया हुआ? एक इन्फेक्शन फैला है अफ्रीका में, इबोला से दुनिया भर में बीमारी है जी। उसको सारा देश अभी विश्व में मिलता है, सारा विश्व में उसको एक मिलिटरी की एक्शन के रूप में देख रहे हैं उसके साथ फाइट करने के लिए। उसको होता है वो 15 दिन के अंदर भी खत्म हो जाता है, तो उसको बेहद भी किसी बाबा एक इन्फेक्शन चला है दुनिया में, उसको इबोला बोलते हैं। वो थोड़ा अगर किसी को हो जाता है तो मनुष्य 10 दिन में मर जाता है। तो ये इबोला का नाम उसका पूछते हैं क्या इबोला बीमारी का नाम इबोला इबोला इबोला। हाँ नई नई बीमारियाँ तो निकलती ही रहती हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। कौन से देश की बात बताई? अफ्रीका। अफ्रीका से निकला है? तो फैलने दो। त्रिमूर्ति है नारायण हो के रुद्रमाला का मणका नहीं है, जो रुद्रमाला का मणके हैं वो शरीर छोड़ने वाले हैं, हैं? हाँ ये है, संगम में उसका ऊंची कुर्सी है। लक्ष्मी से भी ज्यादा ऊंची कुर्सी किसकी है? हैं? दुर्गा की, जगदम्बा की। वैसे भी राजमाता ऊंची कुर्सी पे बैठती है या राज लक्ष्मी ऊंची कुर्सी पे बैठती है? राज माता ऊंची कुर्सी पे बैठाई जाती है, उसका मान मर्तबा ज़्यादा होता है। तो संगम में मान मर्तबा जब एक बार ले लिया, सतयुग के 9 जन्म है ना, कितने जन्म है? हैं? अरे ऊंची स्टेज वाले जन्म कितने हैं सतयुग में? 9 जन्म है। 9 जन्मों में सबसे ऊंची स्टेज कौन से जन्म की है? तो उसमें जगदम्बा ने सबसे ऊंचा मर्तबा ले लिया, तो और जन्मों में नीचे गिरती जाएगी या ऊंची उठेगी? नीचे का उसका हिसाब किताब है, हर जन्म में ऊंचा कोई थोड़ा ही बन सकता है। शिव बाबा नहीं है, शिव जो है वो 3 लोक का नाथ नहीं है, वो तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। बाकी 3 लोक के मालिक तुम बन सकते हो, तुम बनते भी हो। सुखधाम के भी मालिक, दुखधाम के भी मालिक, और शांति धाम में तो बाप के साथ है ही शिव शंकर भोला नाथ। अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन आपको लक्ष्य दिया है त्रिलोकीनाथ बनने का, कि तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बन सकते हो। और पापा मुरली में कहा ब्रह्मा को धर्मराज, तो जो यम है वो भी धर्मराज है, तो क्या अष्टदेव का मणका ब्रह्मा बाबा को समझना सही है? ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी वो फिर किसी आत्मा विशेष के द्वारा कार्य करेगा या नहीं करेगा? जिसके द्वारा कार्य करेगा तो उसी को पसंद करेगा जिसको लौकिक जीवन में पसंद किया था। लौकिक जीवन में ब्रह्मा बाबा ने कुमारका दादी को राजाई दी, कंट्रोलिंग पावर दी थी, या कोई और दीदी को दी थी? कौन थी? हैं? मनमोहिनी दीदी।
कुमारका दादी को पावर नहीं दी थी, वो तो जबरदस्ती बैठ गई। तो जिस मनमोहिनी दीदी को पावर दी थी, वो मनमोहिनी दीदी गोल मोड़े वाली थी या लंबे चेहरे वाली थी? कौन से धर्म की हुई है? बौद्ध धर्म की। तो जितने भी विधर्मी हैं, उन विधर्मियों के बीच में सबसे जास्ती पवित्र रहने वाले धर्म की कौन है? बौद्ध हैं। उन्हीं के हाथ में सत्ता दी जाएगी। और भगवान मुरली ने बोला है, मुरली ने कहा जो ICS पढ़ते हैं उनके बड़े नसीब, वो बड़े नसीब वाले होते हैं। और तुम यहाँ जो PCPT के कॉलेज में पढ़ते हो, पढ़ने वाले हो, प्रजापिता ऐसा रहता है, तो ये PCPT क्यों बोल रहे हो? प्रजापिता वो गलत लिख दिया होगा। ब्रह्मा कुमारी तो छापने वाले हैं, PPBK। नरसिंह नारायण किसको? हाँ, यथा राजा तथा प्रजा है ना, वहाँ बच्चा भी कहेगा। इसमें 4.5 लाख तो किसी शरीर से नरसिंह नारायण बनेंगे, 4.5 लाख शरीर से नरसिंह नारायण बनेंगे, लेकिन 4.5 लाख के अंदर कोई और आत्मा विराजमान रहेगी या नहीं, उसका हिस्सा नहीं बनता है? कोई शरीर से बनेगी नहीं, तो उस शरीर के द्वारा कार्य तो करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ऐसे थोड़े ही कि जब प्रत्यक्षता होगी तो या तो राम की आत्मा गुम हो जाएगी या कृष्ण की आत्मा गुम हो जाएगी। गुम हो जाएगी क्या? नहीं, एक ही शरीर के द्वारा दोनों कार्य करेंगी। और तो क्या शिव की सोल स्वयं नहीं पढ़ती? जो कविता पढ़ना, कविता पाठ करना, ये स्टूडेंट का काम है या टीचर का काम है? स्टूडेंट का काम है, पढ़ क्यों नहीं सकता? पढ़ सकता है, लेकिन स्टूडेंट को कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए ना बोलने की। रहना बहुत खुशी से होगा, और सहने की तो वहाँ बात ही नहीं है। जहाँ दुख होता है वहाँ सहन करना लागू होता है, वहाँ तो कोई प्रकार का दुख है ही नहीं, तो रहन सहन तो बढ़िया ही हुआ। लगी हो ही बात खाने की, तो वहाँ पेट तो बड़ा होता नहीं। कोई कोई का पेट छोटा होता है लेकिन बहुत खाते हैं, ऐसी वहाँ कोई भूख भी नहीं होती है। देवताओं का भोजन बहुत स्वल्प होता है, हल्का भोजन करते हैं। जहाँ तक पीने की बात है, वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे फल होते हैं, बड़े बड़े फल होंगे, ऐसे हो, ऐसे उठाए और यूँ उसमें छेद किया और सारा पी गए निचोड़ के। हैं है, विलास विलास की भी जरूरत नहीं। खान पान रहन सहन सब बढ़िया, कहीं कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं। गाड़ी चलाना बहुत कंसंट्रेशन का काम है, और आगे चल करके भीड़ भाड़ बढ़ेगी या कम होगी, और एक्सीडेंट बढ़ेंगे या कम होंगे,
तो एक समय में एक काम करना ही अच्छा है, बाबा की याद कर सकते हैं क्या? हाँ, योग है कर्मसु कौशलम, ऐसी कुशलता सिखाता है जिससे कर्म में कुशलता आती है, याद से ही आ सकती है। बाकी दूसरा काम करेंगे कर्म इंद्रियों से तो गोचा खाए जाएंगे। हाँ गुरु में बोला है सत्संग में कोई संबंध नहीं होते, माँ बाप और भाई बहन का संबंध होता है। वहाँ राधा कृष्ण के माँ बाप भी अलग होंगे, राधा कृष्ण के माँ बाप तो अलग ही होंगे ना? हाँ अलग ही होंगे, अलग अलग राजा ही क्यों होंगे? अलग अलग राजा ही क्यों होंगे? राधा के माँ बाप अलग है, कृष्ण के माँ बाप अलग, तो उनकी राजाई अलग अलग हुई ना। वो चंद्रवंशी, राधा चंद्रवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी, तो दो राजाइयां हो गई ना। तो सतयुग में दो राजाइयां होंगी, तो वो संगम युग की बात है। संगम युग में चंद्रमा है जिसकी औलाद है चंद्रवंशी, संगम युग में सूर्य का पार्टधारी भी है जिसके औलाद है सूर्यवंशी, और सूर्यवंशियों में कृष्ण पल रहा है, चंद्रवंशियों में राधा पल रही है। तो यहाँ संगम युग की बात है दोनों की सगाई की। सतयुग में तो एक ही वंश होगा, एक ही कुल होगा, एक ही राज्य होगा, वहाँ तो दो की बात ही नहीं है। भाई बहन बन के पैदा होंगे, सारा जीवन भाई बहन बन के रहेंगे। गंदी दृष्टिवृत्ति की वहां कोई बात ही नहीं है, गंद वहां करते ही नहीं है। बाबा आपने जो बोले वो ठीक है, लेकिन जो ऐसे गाड़ी चलाने के टाइम पे दूसरा गाना वगैरह नींद आ जाता है, लंबे 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 दूर जाते हैं नींद आता है, उससे अच्छा मुझे सुन ले तो ठीक नहीं? लंबी दूरी जाते हैं, पता है कि हमें लंबी दूरी जाना है, तो अच्छी तरह से नींद लेकर के तब जाओ। सफर काटने के लिए प्रैक्टिस है तो जाओ, प्रैक्टिस नहीं है, चार घंटे मेहनत की फिर थकान आ गई और नींद आने लगी, उससे तो अच्छा पहले सो लो। ड्राइविंग करते समय दो दो काम नहीं करना चाहिए। काश्य से पैदा होती है, काश्य माने योग का तेज, जहाँ 100% योग का तेज होगा वहाँ अपवित्रता होगी या पवित्रता होगी? पवित्रता है। काशी नगरी ही तो प्यारी नगरी है, दिल्ली नहीं प्यारी नगरी है, जिस दिल्ली के ऊपर सब धर्म वालों की नजर रहती है वो बाप की प्यारी नगरी नहीं है। बाप की प्यारी नगरी काशी नगरी है। राजधानी दिल्ली में बनता काशी में नहीं, क्यों? राजाई जो है वो राजनीति का विषय है या धारणा का विषय है? राजनीति का विषय है। तो जहाँ राजनीति ही चली है, हर धर्म की नजर दिल्ली के ऊपर है, तो बाप की भी नजर राजधानी जमाने के लिए दिल्ली पर है।
और बाबा ने बताया कि एडवांस काले कर्म करते हैं तब उनकी काली मूर्ति बनती है, तो क्या बीके वाले भी तो काले कर्म करते हैं फिर उनकी गोरी मूर्ति? बीके वालों में 10% वो हैं, उन पे नजर नहीं जाती है जो लक्ष्मी जैसे बनेंगे। जो लक्ष्मी जैसे बनेंगे उन पे कभी नजर नहीं गई। काले काम करने वालों के ऊपर नजर जाना जरूरी है, पर चिंतन पतन की जड़ हमें अच्छों को देखना है, अच्छा बनना है या बुरों को देखना है। जो पवित्र रहते हैं 10% वो ही चंद्रवंशी राधा के कुल के हैं। जो चंद्रवंशी राधा के कुल के हैं उन्हीं का आवाहन करना है। हमें आवाहन किसका करना है? विजयमाला का आवाहन करना है ना। तो विजयमाला काले कर्म करने वाली है या काले कर्म करने वालों से टक्कर लेने वाली है? हाँ जी। तो बाबा यहाँ मतलब सारे कर्म हुए हैं, काले कर्म छुप के किए जाते हैं। और बाबा रामायण में राम ने वो भी तब तक जब तक संपन्न नहीं बने हैं, क्या उस कर्म करने में जिसके आधार पर काला मुंह दिखाया गया है वो कर्म करने में जब तक संपन्न नहीं बने हैं तब तक काले कर्म करते हैं छुपके। जब संपन्न बन जाते हैं तो शिव बाबा के मंदिर में देखो धरा हुआ है, सबके मैदान में खुला खेल फरक्काबाजी, तो छुपने की जरूरत है? है, है जरूरत नहीं। उनकी यादगार में जैनियों में देखो, जैनियों में जो साधु लोग होते हैं स्त्रियां जाके पूजा करती रहती हैं, नंगे रहते हैं या वस्त्र पहन के रहते हैं? नंगे रहते हैं। अपने हिंदुओं में नागा बाबाओं को देखो, नंगे रहते हैं या खुले रहते हैं? वो क्या नाम छुप के रहते हैं, नंगे रहते हैं। बाबा काला कदम क्या मतलब? काला कदम माने छुपके काम किया जाए, काला काम जैसे क्रोध मोह लोभ अहंकार इन्हीं को बोला जाता है। ये छुपके नहीं किए जाते। क्रोध सबके सामने उगड़ पड़ता है वो छुपके किया जाता है नहीं। लोभी मुसलमानों ने आकर के लोभ दिखाया इंडिया में, कितने आक्रमण किए, कितना लूटपाट की, क्या छुप कर के किया? मोह भी छुपके नहीं किया जाता। माँ बच्चे से प्यार करती है, मोह में आती है बच्चे के प्रति, तो कोई छुपने की जरूरत है? अहंकार तो और भी सबके सामने उजड़ पड़ता है। और बाबा रामायण में राम ने एक धोबी के कहने से सीता को निकाल दिया। हाँ, इसका बेहद में क्या है? इसका बेहद में यही है कि राम को तो पता था ना क्या, कि जिस सीता को उन्होंने निकाल दिया वो सीता मेटल की थी या असली सीता थी? हैं, मेटल की सीता थी। और जो मेटल है वो तो मेटल ही है ना, उसमें मिक्सरिटी हो सकती है ना। वास्तव में वो जगदम्बा की बात है, जिससे जो बच्चे पैदा हुए वो राम के दुश्मन बन के पैदा हुए या दोस्त बन के पैदा हुए? दुश्मन बन के पैदा हुए। जो औरत संतान होती है बाप की, असली संतान होती है वो बाप के अनुकूल रहती है, बाप के खून के अनुकूल रहती है या खून का विरोध करती है? अनुकूल रहती है। सतयुग में दो दो बच्चे भी होंगे ना, तो रिश्ते तो बनेंगे फिर। सतयुग में निकाह हुआ है ना, दो बच्चे होंगे तो रिश्ते तो बनेंगे, दो दो बच्चे होंगे ना, उससे रिश्ते तो बनेंगे ना। किससे? रिश्ते जैसे किसी की शादी किसी से हो, मामा भांजा काका जहाँ पर रिश्ते हैं वहाँ पर भी दो दो बच्चे लिखे हुए हैं, दो बच्चे तो होंगे।
दो बच्चे होने से क्या होता है? ये ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ शादियाँ होती हैं वहाँ भी ऐसी शादियाँ होगी, दूसरे घर में जा करके नहीं तो पता ही नहीं है वो। नहीं, वहाँ बच्चा का साथ बच्ची भी पैदा होती है। अगर दो बच्चे पैदा होंगे तो दो बच्चियाँ भी होंगी। ऐसे नहीं कि किसी को दो बच्चे हो जाएं और एक बच्ची पैदा हो जाए, वो नहीं सकता। हो सकता 21 जन्म का पूरा साथ मिलता है 10 करोड़ को। और हाँ, फिर एम काम करके क्या करेंगे? बाबा से पूछो। एम काम करने के लिए क्यों नहीं बाबा से पूछो? बाबा तुम्हें नहीं मालूम बाबा क्या बताते हैं? हैं? बाबा क्या बताते हैं पढ़ाई के बारे में? डॉगली पढ़ाई। कुत्ता कुतिया बनना है तो पढ़ो पढ़ाई। ऑफिसर बन के बैठेंगे, नौकरी करेंगे, इसीलिए कर रहे हैं ना बी काम और एम काम। किस लिए कर रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे ना, दास दासी बनेंगे ना गवर्नमेंट के। तो जो दास दासी बनेंगे उन्हें अपने मालिक के तरीके से चलना पड़ेगा या अपने तरीके से चल पड़ेंगे? तो मालिक तो भ्रष्टाचारी है गवर्नमेंट में, वो भ्रष्टाचार में लिप्त कर देंगे या तुम्हें शिष्टाचारी बनाएंगे? हैं? हाँ, अब आप कुछ भी कराइए, आपके पास पैसा है तो कुछ भी कराइए। आपके कंट्रोल में बच्चा नहीं है तो करना ही पड़ेगा, आपका मोह लगा हुआ है। माया नहीं चाहती कि उससे पहले कोई सरेंडर हो। माया ये नहीं चाहती कि उससे पहले कोई सरेंडर हो, इसलिए वो काले कर्म कर रही है। तो बाबा माया को क्या सजा मिलती है? माया को क्या सजा मिलती है? क्यों, ये तो सब कोई चाहता है कि हम आगे रहें, ये तो दौड़ है पुरुषार्थ की। माया भी चाहती है कि हम आगे बढ़ जाएं। दौड़ में कोई ये कोई पाप है क्या, दौड़ में आगे निकल जाना है? तो माया भी यही चाहती है हम भगवान के सामने जाके पहले सरेंडर हों, और वो सरेंडर नहीं होने देंगे। क्या सारा किस क्रम से होगा? जैसे महाकाली का पाठ चलेगा बच्चे निश्चित बुद्धि बनेंगे, और फिर घर से भी धक्के मिलने हैं तो ग्लानी होगी पापा की, छुटनी है, फिर तपस्या भी करेंगे बच्चे तपस्या धाम में। तो सारा किस क्रम से होगा सभी? हाँ, ये पूछ रही जब ग्लानी हो जाएगी जैसे सबको घर छोड़ना पड़ेगा और सब बहुत बड़ा आपदा है परिस्थिति आएगी, तो ये किसी क्रम किस सिस्टम से होगा? नंबर वार होगा, एक साथ थोड़ी हो जाएगा। नंबर वार भागेंगे, नंबर वार जुड़ेंगे उसकी यादगार है माला। नंबर वार भागेंगे वो भागंतियों की माला। क्रम माने नंबर, कौन सा कर्म कौन से क्रम पे होगा ये पूछते हैं। कौन सा कार्य कौन से क्रम पे होगा, पहला ग्लानी होगी या क्या पहले होगा? नंबर वाइज सीमत पर न चलना ही विकर्म है। श्रीमत पर जो पूरे चलेंगे वो बाद में उखड़ेंगे, और जो श्रीमत पर नहीं चले हैं, लीका को उन्होंने तोड़ा है बार बार, वो जल्दी टूटेंगे।
बाबा श्रीमत के अनुकूल माइंड में जो धारणा आती है वो एकदम से धारणा हो जाए, उसके लिए क्या करना? याद हिले नहीं हुआ थे लौट कर आत्मा वहां से हिले नहीं, दृढ़ हो जाए, उसके लिए क्या करना? दृढ़ता तो याद के आधार पर ही आएगी ना। याद जितनी गहरी होगी उतनी दृढ़ता आएगी। याद में कच्चे हैं, घड़ी घड़ी उखड़ते हैं, तो दृढ़ता कहाँ से रहेगी? याद ही याद। हाँ जी बाबा, दरभंगा जिला में बीसी का है और एडवांस का क्लास नहीं है। बीसी का है जलंधर में, एडवांस गीता पाठशाला थी तो दरभंगा। दरभंगा से एडवांस में तो आए हैं। हाँ जी, तो जो एडवांस में आए हैं वो संगठित होकर के आपस में मिले जुले हैं, तो कौन खोल सकता है अपने घर में गीता पाठशाला, वो खोले। फिलहाल में बेसिक में जा सकते हैं बाबा, जो आगे वहाँ पर नहीं। किस लिए जाने का लक्ष्य क्या है? जाने का आपका भाव क्या है? जाने के लिए मना नहीं है, दुनिया में चाहे जहाँ जाओ घूमो फिरो, लेकिन जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ जाने का लक्ष्य क्या है, भाव क्या है? हैं हैं बाप से संबंध जोड़ना, वहाँ बाप बैठा है हैं, वहाँ बाप बैठा है कि अम्मा बैठी है? हैं अम्मा बैठी है, वो अम्मा जगदम्मा है, ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा माने जगदम्बा, जगत की अम्बा कहो ब्रह्मा कहो, और जगत की अम्बा को हाथ मिला लिया है माया बेटी ने, माया बेटी जगदम्बा की दोस्त बन गई, जगदम्बा को दोस्त बनाई लिया, तो माया बेटी के चक्कर में जाना है। वो ही तो कहा, आपस में बैठ करके विचार करो कि किसके घर में, किस युगल के घर में गीता पाठशाला खुल सकती है, उनके घर में गीता पाठशाला खोल दो। और जगदम्बा के मंदिर के आगे नीम का बीज क्यों दिखाते हैं? जगदम्बा को नीम के बीज पर झूला झूलते हुए दिखाते हैं? जगदम्बा को नीम के पेड़ में झूला दिखाते हैं, झूला दिखाते हैं। हाँ, नीम का पेड़ कड़वा होता है ना, क्या कृष्ण को झूला दिखाते हैं? उसका मतलब क्या है? कृष्ण को झुलाते हैं, झुलाते हैं माने हैं, हाँ ऊपर नीचे, आनंद में आता है जाता है ना, तो ऐसे ही जगदम्बा को झूला तो झुलाते हैं, लेकिन नीम के पेड़ पे झूला झुलाते हैं। नीम के पेड़ में क्या खास बात होती है? कड़वाहट होती है, सारे पत्तों में कड़वाहट आ जाती है। जहाँ जगदम्बा झूलेगी वहाँ सब पत्तों में कड़वाहट आ जाएगी। हाँ दवाई में काम आता है, काम कितना लेते हो? नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर है, उसका प्रभाव बहुत ही हो रहा है, जैसे नेहरू जी का हुआ वैसे हो रहा है। हाँ वो नेहरू जी था, नेह की रूह था, बच्चों से बहुत नेह करता था,
ये नरेंद्र मोदी है, नर मनुष्य, इंद्र मनुष्यों का राजा मुखिया, और मोड़ी माने जिसने सबकी बुद्धि मोड़ दी, वो गुजरात का रहने वाला है। गुजरात माने जिसकी अज्ञान की रात गुजर गई, वो अज्ञान की रात जिसकी गुजर गई, वो नरों में इंद्र समान, नरों में राजा समान नरेंद्र मोड़ी ने सबकी बुद्धि मोड़ दी। मोड़ दी कि नहीं मोड़ दी? मोड़ दी। तो क्या पूछ रहे हैं उसके बारे में? प्रभाव बहुत है, बुद्धि का प्रभाव बहुत है। हाँ, तो वो जब जो नरों का राजा होगा, नरों का मुखिया होगा मनुष्यों का, उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा? बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद भी आत्मा को पावन बना सकती है। तो करंट खींचना भी क्या, उसमें बुद्धि में क्या चलना चाहिए जब याद में बैठते हैं? तो बाबा का निराकार में, निराकार को साकार में याद करते हैं, तो क्या चलना चाहिए माइंड में? साकार में याद करते हैं तो साकार में निराकार वो हमारा है, हमारी बुद्धि उसमें जाए, उसकी बुद्धि हमारे में जाए, औरों में न जाए। वाइब्रेशन उसका हम इतना खींचे हैं कि उसका बुद्धियोग औरों में न जाए, सबसे जास्ती हमारे में जाए। शंकर के पाठ कहते हैं कि परिपूर्ण है, पावन है। तो तीन आत्माओं को मेरे को शंकर कहते हैं। अच्छा, तो जो बाप बताते हैं कि याद में जो बैठा हुआ है वो ब्रह्मा की आत्मा है। याद में बैठा है सो ब्रह्मा की आत्मा है। ब्रह्मा की आत्मा को निश्चय है बाप के ऊपर? ब्रह्मा की आत्मा को बाप के ऊपर निश्चय है तो याद में क्या बैठेगा फिर? जब निश्चय नहीं है, जिसको जितना ज्यादा निश्चय होगा वो ज्यादा गहरी याद में रहेगा, या जिसको निश्चय ही नहीं है, घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता है, वो ज्यादा याद में बैठेगा? तो फिर ब्रह्मा तो याद में रह ही नहीं सकता। जैसे बाबा एक वार्तालाप में बताया गया है कि जो शंकर जो है निराकार स्टेज, निराकार स्टेज में हमेशा नहीं, संपन्न है। नहीं, संपन्न होगा, अभी नहीं कह सकते संपन्न है। जब संपन्न होगा उस समय बाप बच्चे को आगे रखेगा या खुद आगे हो जाएगा? तो बच्चा है कृष्ण बच्चा, वो बच्चा भी संपन्न बन जाएगा, वो घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय के चक्कर में नहीं आएगा, घड़ी घड़ी एडवांस पार्टी में घड़ी घड़ी से भाग करके गुलजार दादी में घुस जाए। बाबा ने कहा कि 2017 तक एडवांस पार्टी के सारे बच्चे अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। 2004 तक, 17 तक। हाँ, फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो, सारे बच्चे सतो प्रधान बन जाएंगे, तमो अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे सारे बच्चे। हाँ, बिल्कुल सही बात। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। हाँ? तो 50 वर्ष 2027-28 तक होते हैं, तो वो जो 50 वर्ष है वो सिर्फ ये राजवर्ग की आत्मा 16108 वाले 27-28 तक वापस निश्चय बुद्धि बनेंगे, या साढ़े चार? बाबा जिन बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है वो राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं या प्रजायोग वाले बच्चे हैं? कितने हैं? तो 16108 के लिए बोला है या सबके लिए तुम बच्चे बोला है? 16108 के लिए बोला है। बाबा जो 4.5 लाख जो होंगे वो ये एडवांस पार्टी के सारे बच्चे निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, तो क्या अंत तक वो वापिस आते रहेंगे 2036 तक? 2036 तक क्यों? राजा कहा ही जाता है तब जब उसकी प्रजा हो, राजा की प्रजा है नहीं, और राजा कहाँ से हो जाए? माना राजा कंप्लीट हुआ, माना उसकी प्रजा तो कंप्लीट हो ही गई, तब राजा बना है।
तो बाबा इसका मतलब 2027-28 तक जो राज परिवार है वो संपन्न हो जाएगा, तो उसके आधार पर जो 4.5 लाख बच्चे हैं उनके भी वो भी संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, यथा राजा तथा प्रजा। उनको शरीर इसीलिए नहीं मिला है कि ज्यादा पाप उनके ऊपर न चढ़े, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर से वो जिसमें भी प्रवेश करके पाप और पुण्य कराएंगी वो शरीरधारी का बनेगा। तो भी उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब उस माता आत्मा के साथ ऐसा बना हुआ है कि उसने परवश बनाया होगा, तो वो आत्मा अभी इनको परवश बना रही है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। बेहद का अर्थ है आ ओ मा, ये त्रिमूर्ति शिव सत्य है। क्यों संतोष नहीं हुआ? क्रॉस क्वेश्चन करो। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में जो जो भक्ति मार्ग में वही तो फिर ज्ञान मार्ग में समझाया जाता है। मैं पूछा नहीं, मैं बोला बाबा से पूछ के बताएंगे। बता तो रहे हैं, उन्हें कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है तो प्रश्न करें, प्रश्न का जवाब मिलेगा। बाबा ने जो कहा है तप कर राज, राज कर नर का, तो ये 2028 तक बच्चे संपन्न हो जाएंगे, तो उसके बाद तो ये बात लागू नहीं होती ना कि नीचे गिरना फिर पुरुषार्थ करना, नीचे गिरना फिर पुरुषार्थ करना, संपन्न बनने के बाद तो ये बात लागू नहीं होती ना कि तप कर राज, राज कर नर का, ये 2028 के बाद तो नहीं होगा ना, पहले पहले हो जाएगा या बाद में भी चलता रहेगा? अभी क्या हो रहा है? अभी तो गिर भी रहे हैं और उठ भी रहे हैं और शांत कर भी रहे हैं, लेकिन 2028 तक ओहो अभी राजा ही कर रहे हैं कि नहीं? है? अभी राजा ही नहीं है, और फिर आगे राजा ही होगी या नहीं होगी? जो राजा बनेंगे वो हमेशा के लिए राजाएं बन जाएंगे, या कोई कोई हमेशा के लिए राजाएं बनेंगे, या कोई ऐसे होंगे जो एक जन्म राजा बन गए फिर कभी राजा बनेंगे ही नहीं, कोई ऐसे होंगे कि जन्म जन्मांतर दास दास ही बनते रहेंगे, अंतिम जन्म में ना कि जाकर के राजा बनेंगे? आप एक ही साथ बना रहे हैं तो कैसे हो जाएंगे? नहीं बाबा, जैसे दो जो 4.5 लाख के वो भी 28 तक संपन्न बन जाएंगे, उसके बाद गिरना संभलना नहीं होगा ना, फिर वो अपनी सीट पर फिक्स हो गए हैं, अपनी सीट पर फिर 4.5 लाख सभी सेट हो गए 2028 तक। जो संपन्न स्टेज पा ली, संपन्न स्टेज पाने के बाद विदेशियों की सेवा करनी है कि नहीं करनी है? हैं? तो जो विदेशियों की सेवा करनी है जिनको, और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए थे, दूसरे धर्मों का जिनका छिलका चढ़ा हुआ था बीजों के ऊपर, वो बीज दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म खंड में जाके सेवा करने के निमित्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। और जब सेवा करेंगे उनके संग के रंग में आएंगे तो नीचे नहीं गिरेंगे? हाँ जी। और बाबा जैसे वो पारो, हाँ कैसा होता है? आप जब मनन चिंतन मंथन करते हैं ज्ञान का, तो उस समय जो ऐसी आपकी स्टेज होती है वैसा ही होता है। आप जब स्वप्न में जाते हैं तो सपने में आप इधर उधर घूमते हैं चारों तरफ, वो लौकिक दुनिया का सपना है, वो अलौकिक दुनिया का सपना है, नई दुनिया का सपना है, है? कल्पना सच्ची होती है या झूठी होती है?
हम जो कल्पनाएं करते हैं वो कल्पनाएं सच्ची होती हैं या झूठी होती हैं? नहीं, स्वप्न और संकल्प और वाचा तीनों पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं। कोई भी आदमी को बार बार स्वप्न आते हैं, इसे साबित होता है पूर्व जन्मों का उसका हिसाब किताब है। कोई आदमी को बार बार कोई संकल्प आते हैं, दूसरों को नहीं आते, तो उसका पूर्व जन्मों से हिसाब किताब है। तब वही संकल्प बार बार आ रहे हैं। और बाबा जैसे को फॉलो करोगे वैसा बनोगे, ठीक है, ऐसा नियम है, ठीक है। तो कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो तो ब्रह्मा तो भूत प्रेत बनते हैं, तो हम भी भूत प्रेत बनेंगे। कर्मों में जिस ब्रह्मा को फॉलो करो वो लल्लू चप्पू ब्रह्मा है या परम ब्रह्म है? परम ब्रह्म। बैठ गए। है? जैसे आपने टीवी में बात किया, मैंने पापा की याद से यहाँ डायमंड रखी है टेबल पर, तो जो कोई तो हीरा है जो विदेशों से पढ़ रहा है कि हम भारत में वापस आए तो जब आएंगे। जो चीज जहाँ से चलती है वहीं उसको वापस पहुँचना होता है। दुनिया का अणु जिस स्थान से शुरू हुआ है 5000 वर्ष का चक्कर लगा के वो अणु वहीं पहुंचेगा, तो कोहनूर हीरा नहीं पहुंचेगा है? वो ही पहुंचेगा। जैसे वैज्ञानिकों के पास भी बाप दादा जाकर अपना कार्य करा लेते हैं, तो आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसमें जैसे मोदी साहब का कुछ जैसे विशेष रोल है, तो क्या उन्हें भी थोड़ी ऊपर देकर दिए उनको सत्यता पर मोदी मोदी की बात कर रहे हैं? मोदी इस दुनिया की नई आने वाली आत्मा है या पुरानी आत्मा है? नई आत्मा है। नई आत्मा ने उसमें प्रवेश किया तो मोदी निखर गया, अचानक निखर गया, पहले तो नहीं था ऐसा। विवेकानंद नरेंद्र नाम था उनका, उसमें किसी सोल ने प्रवेश किया तो निखर गया। रामदेव पहले तो साधारण व्यक्ति था, फिर उसमें सोल ने प्रवेश किया, निखर गया। मोदी भी बाबा ने कहा कि अगर लौकिक में किसी से लगाव है तो उसको अगर हम मनसा सेवा करेंगे तो मनसा कमजोर होगी। हम मनसा सेवा करेंगे तो मतलब सर्च लाइट देंगे, मनसा सेवा करेंगे तो मनसा कमजोर होगी अगर लगाव है किसी से। तो लगाव है और लगाव पूर्वक सेवा करेंगे तो मनसा कमजोर नहीं होगी। बार बार चेहरा सामने नहीं आएगा उसका। मुरली में तो बोला है जिससे लगाव लग जाए उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, और आप मन से बार बार चेहरा देख रहे हैं उसका। बाबा जैसे माताओं के बच्चे हैं अपने लौकिक में, उनसे लगाव होता है कि ये भी ज्ञान में निकल आए, तो उनको सुबह उठकर सर्च लाइट दें, तो ऐसे तो उसका अपना ही मनसा कमजोर हो जाएगी। तो अपने बच्चों का मतलब लौकिक संबंधियों की मनसा सेवा नहीं करनी है क्या? कुछ दे करके ही लेंगे, थैली देंगे तो थैला मिलेगा या ऐसे ही किसी को कंट्रोल कर लेंगे है? कुछ दे करके ही लेंगे या बिना कुछ दिए ले लेंगे? मतलब पहले अपने मन से एकाग्र हो तब करनी है। फिर क्या बात है बाबा, एकाग्र होते भी तो हमारा ध्यान जाता है कि ये भी निकल जाए। दुनिया में 500-700 करोड़ हैं, सभी आत्माएं हमारी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। बाबा ने मुरली में बोला बीज रूपी स्टेज में टिकने से सारे वृक्ष को स्वतः ही पानी मिल जाता है। वो स्टेज है निर्मोही स्टेज, और बाकी स्टेज में जो सेवा की जा रही है वो सब कैसी है? मोह वाली स्टेज। जब एक बीज को याद करने से सारे वृक्ष को पानी मिल सकता है
तो पत्तों पत्तों में भटकने की क्या दरकार है, क्योंकि मोह लगा हुआ है इसलिए भटक रहे हैं। बाबा मोह और लगाव क्या एक ही चीज है? एक ही बात तो है। अटैचमेंट कहो, मोह कहो, लगाव कहो। तो बाबा जब हम सर्विस फील्ड में जाते हैं, किसी को देखते हैं कि ये बीके में चलता है, इसको संदेश देना है, अगर किसी को देखते पता चलता है कि यहाँ कोई बीके रहता है, उसे संदेश देने पहुँचते हैं बीके कोई संदेश देने, तो उसमें हमारा क्या लगाव है? वो तो हम तो उसे जानते भी नहीं, तो वो लगाव पूर्वक सेवा थोड़ी हुई। जिसको हम जानते ही नहीं उसमें लगाव की क्या बात है? जिसको हम जानेंगे, पहचानेंगे, संपर्क में, संसर्ग में, संबंध में आएंगे, तभी तो लगाव होगा। जैसे बाबा ने बोला ना, एक बीज को पानी देने से सारे वृक्ष की पालना हो जाती है, तो मतलब बस एक याद में रहे चाहे सर्विस। नहीं, पानी देने वाले हम आत्मा हैं। हम आत्मा ने बाप को याद किया और बाप की याद में रहने से हम बीज रूप स्टेज में स्थिर हुए। हम बीज रूप स्टेज में स्थिर हुए तो हमारे से कनेक्टेड 5000 वर्ष में जो भी आत्माएं हैं उनको स्वतः ही पानी मिलता है। सबको नहीं, 500 करोड़ को मिलेगा। नहीं समझ में आया? हाँ जी, वो हमारे संसर्ग संपर्क में आकर के उनकी स्वतः ही सेवा होगी। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो प्रभाव निकलेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करेंगे उतना ही प्राप्ति होगी। बुद्धि में रहने से नहीं, बुद्धि को बार बार वहाँ स्थिर करने से होगा। एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी फिर उसे बीच में जा रही है और हमारे कनेक्शन में है फोन से कि हाँ आपका ज्ञान ठीक है, लेकिन अभी हमारा अपना ही पार्ट है, ऐसे बोलती है। तो क्या जो संदेश देने वाली आत्मा है, तुम जो ये जो वो बाबा ने बोला है, जो अपने धर्म के पक्के होते हैं उनके मुखिया जब निकलेंगे तभी निकलेंगे। इसलिए वो बोला है, जो सन्यासी हैं, जो गुरु लोग हैं, उनके सारे चेलों को पहले तोड़ लो, फिर गुरु अपने आप निकल आएंगे। ओम शांति।